अभी ही हम तैयार होके निकले हैं फ्रांस जाने के लिए, गोइंग टू फ्रांस, और अभी पेट्रोल वगैरह डलाएंगे। अबू जी पीछे बैठे हुए हैं और सब तैयारी करके इंशाल्लाह जो है रास्ते में आपको दिखाएंगे ये कौन सा रूट लेंगे और कहां से चलेंगे। अच्छा ये जी अभी हम A2 मोटरवे पे ही हैं। अभी ये फियानम, ये देखो उधर फियानम लक्ष्मण।
लक्समबर्ग अभी हम पहुंच आए हैं तो अभी फ्यूल प्राइसेस बहुत लो है, तो मैंने कहा जरा टैंक फुल करा लेते हैं। तक आ गए इधर पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो मैंने कहा जरा टैंक फुल करा लेते हैं। ये देखें हॉलैंड में 2.10 euro का है और इधर 1.50 का है, तो अभी फुल कराया, पेट्रोल फुल कराया है, तो आगे इनकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करके तो फिर निकलते हैं। तो नहीं अभी कुछ ज़रा रुकना भी है, कुछ कॉफ़ी चाय वगैरह पियेंगे। तो ये बीपी का पंप है, पेमेंट उधर आगे होनी है, इधर हम ज़रा रुके हैं, फ्यूल वगैरह फुल कराया है, तो अभी आगे चलते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये सामने है जी रेस्टोरेंट बर्गर के, तो इधर हम रुकेंगे। ये जी अभी हम रुके हैं और अरीब और अबू जी भी गाड़ी से निकलने लगे हैं, तो चल के जो है ना कुछ अंदर जरा बैठते हैं, आपको दिखाते हैं। अरीब ओके, बेल्ट ये जी रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हम, तो अभी लाइन शाइन लगी हुई है, तो कुछ खाना ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सामने लोग लाइन में लगे हुए हैं और अदीब और अबू जी उधर बैठे हुए हैं, वो सामने बहुत अच्छा माशाल्लाह रेस्टोरेंट है, लोग ऑर्डर करके इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। अदीब व्हाट आर यू गोना टेक, fish menu, fish menu, or are you gonna have hot brownie also? Hot brownie is good. Yeah, okay. ये जी सर्विस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, कोई एक दो चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो फिर इंशाल्लाह सफ़र जारी रखेंगे, आपको भी साथ लेके चलते हैं। इधर सिगरेट और पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो पेट्रोल तो डलवा लिया है, अभी देखते हैं। सिगरेट तो मैं पीता नहीं हूँ, मगर चले शायद ख़रीद लें।
ये इनकी शॉप है। भी एंट्रेंस है और नीचे वॉशरूम्स है, उधर चलते हैं। जेंट्स के लिए तो जो हमारे दोस्त इंग्लैंड से या हॉलैंड से स्विट्जरलैंड के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं, तो यूके रास्ते में कोई और इतने अच्छे खाने के लिए आउटलेट वगैरह नहीं है, तो काफ़ी से लोग जो आते हैं वो इधर रुकते हैं खाना खा के फिर आगे स्विट्जरलैंड और इटली वगैरह की तरफ से चले जाते हैं। तो अब ये आज हमारे साथ आपको दिखाते हैं कि मीना मेल रेस्टोरेंट पे चल के अंदर से भी आपको अभी जी मीना माल के पास हम पहुंचने वाले हैं। तो जैसे भी जैसे आपको बताया था, तो ये देखें राइट साइड पे जो है ना बसेस की कोचेस की पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है। एक दो कोचेस पार्क हुई हुई हैं और एक और आगे पार्क की जगह है। तो ये बड़ा सहूलत है इस रेस्टोरेंट के पास। ये जी हम खड़े हैं मीना माल रेस्टोरेंट के बाहर अरीबर में। अंदर जाके आपको बताते हैं कि खाना वगैरह कैसा है। तो अभी हमारे साथ ही आप रहिएगा, तो चलते हैं आपको बताते हैं। ये जी हम मीना माल के अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट। ये अदनान खड़े हैं, खाने वगैरह तैयार हो रहे हैं और टेबल्स पे सर्व करने लगे हैं। तो रेस्टोरेंट की दो पोर्शन है, एक इधर राइट साइड पे है जहाँ ये खाना लेके जा रहे हैं, और दूसरा जो पोर्शन है वो इधर लेफ्ट साइड पे है। काफ़ी सीटिंग एरिया है, राउंड अबाउट 60 सीट्स अवेलेबल है। तो इधर साइड क्या बन रहा है जावेद भाई? बटर चिकन बन रही है या ये पास्ता मसाला बन रहा है? अच्छा अच्छा, फिश मसाला आलू विद आलू बन रहा है और लैम्ब विद आलू। ये देखें जी सब प्रिपरेशन इधर चल रही है माशाल्लाह। और जो खास चीज है तंदूर, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तंदूर है और ये फ्राइंग के लिए जो समोसे वगैरह जहाँ बनते हैं। ये कढ़ाई है प्रिपरेशन टेबल भी तैयार है। ये लैम है। अच्छा लैम,
अच्छा अच्छा माशाल्लाह। इसको कहते हैं हम आनियो में डालू। ओ लैम में डालू, लैम में डालू। फ्रेंच में वो फ्रेंच में आनियो बोलते हैं, मगर वो देखने वाले जो नाजरीन हैं वो सब इंग्लिश स्पीकिंग है, इसलिए लैम में डालू से। डिशेज तैयार होके जा रही हैं टेबल पे। अदान कौन सी डिशेज हैं ये? ये आपका है पोसू मसाला। पोसू नहीं, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में फिश मसाला। फिश मसाला और ये है लैम विंडालू। लैम विंडालू, अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये लिखे देखे जी, शी कबाब तो दूर में लगे हुए तैयार हो रहे हैं, अभी अरीब बैठे हुए हैं जी, खाने का इंतजार हो रहा है, अभी खाना लेके आए हुए आएंगे तो फिर चेक करके आपको बताएंगे कि कैसा खाना था। अभी तो फ़िलहाल ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, तो हमने कोई लाइट सा मंगवाया है, तो अभी आपको बताते हैं। अभी दिन के कोई 12-1 बजे हैं, तो ज़्यादा कोई खाने का मूड तो नहीं है, तो कुछ हमने लाइट सी समोसा और नान और शी कबाब वगैरह मंगवाया, तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें सामने जो है वेजिटेबल समोसा है, मिक्स समोसा, शी कबाब है, शी कबाब है और प्लेन नान है, चीज़ नान है, चिकन टिक्का है और शी कबाब है। तो साथ में जो है सॉस है, चटनी वगैरह, पिकल है और मिंट सॉस है और टैमरिन सॉस है। तो अभी चेक करते हैं तो कि कैसे हैं। समोसा अरीब तो नान चेक करने लगा है, तो ये देखें जी, मिक्स पिकल है और ये मिंट सॉस है। अभी जो है ना सॉस वगैरह डाल के, तो समोसा चेक कर लेते हैं पहले। वाह जी, वेरी नाइस माशाल्लाह। ये जी हमने खाना शाना खा लिया माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन था, वेरी डिलीशियस फूड एट मीना माल इन मेट्स। तो जावेद भाई साथ हैं हमारे, जिन्होंने माशाल्लाह सब ये स्टार्ट किया है। तो जावेद भाई, इस फूड बिजनेस में कब से हैं आप? मैंने पेरिस में शुरू किया था 84 में। वेरी गुड। तो मेट्स से कब से इस सेटअप को स्टार्ट किया? 2007 आई थिंक, 2007 में शुरू किया, 2007 तो शुरू किया था। ठीक है ठीक है, माशाल्लाह 2001 हो गया, 2021 हो गया, काफी अच्छा हो गया। और माशाल्लाह आपके खाने में बहुत लज्जत है आपके हाथ में, तो खाना तो बहुत बेहतरीन और बहुत मजेदार बनाते हैं आप। बस देखें यही। तो ये इधर पाकिस्तान में भी कोई इसकी एक्सपीरियंस है या बस यूरोप में ही शुरू किया? नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, इधर ही शुरू किया है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें जी, सब रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खा लिया, तो अभी हम इधर बैठ के कोई। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, शुक्रिया।